गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, बीएड फर्स्ट ईयर में फोर्थ पेपर पाठ्यक्रम के परे भाषा एवं पाठ्य वस्तु पर विचार विमर्श का हम पाठ्यक्रम सिलेबस लिख रहे थे। उसमें हमने दो यूनिट में क्या क्या आपको पढ़ना है उसके बारे में आपको विस्तृत चर्चा करके बता दिया गया था। आज का जो हमारा थर्ड यूनिट है कि इसमें थर्ड यूनिट के अंतर्गत हम किस चीज का अध्ययन करेंगे उसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। थर्ड यूनिट जो है उसका टॉपिक है आपका कक्षा, कक्ष और भाषा। कक्षा कक्ष के अंदर जब शिक्षक कक्षा के अंदर शिक्षण कार्य कराता है तब शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य जो वार्तालाप होती है, जो बात होती है, जिसके माध्यम से शिक्षण कार्य प्रभावी होता है, एक रोजमर्रा की भाषा और एक शिक्षण करते समय की भाषा, एक शिक्षित व्यक्ति की भाषा और एक अशिक्षित व्यक्ति की भाषा, दोनों में क्या अंतर होता है इसके बारे में इसमें बताया जाएगा कि कक्षा कक्ष के अंदर एक शिक्षक को बालकों से वार्तालाप करते हुए या बालकों प्रश्न पूछना
इसमें अन्य प्रश्नों के एक प्रकार प्रश्न कैसे पूछे जाए, प्रश्न कैसे पूछे जाए और कब व कैसे पूछे जाए, ठीक है। और उसके बाद है प्रश्न, प्रश्न प्रक्रिया, प्रश्न प्रक्रिया के दौरान या प्रश्न पूछने के दौरान शिक्षक शिक्षक की भूमिका और नियंत्रण, छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित करें। दूसरा इसका सम्मिलित जो है उसमें है कि कक्षा कक्ष में प्रश्न शिक्षा अधिगम प्रक्रिया का प्रमुख आधार प्रश्न पूछना है। जब शिक्षक कक्षा में शिक्षण कार्य करता है तो संप्रेषण का माध्यम अर्थात विचारों का आदान प्रदान करने के लिए या बालक को विषय वस्तु समझ में आई या नहीं आई इसकी जांच करने के लिए वो बीच बीच में विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को पूछकर बालक का ध्यान विषय वस्तु पर कंसंट्रेट करने का प्रयास करता है, उसको एकाग्र करने का प्रयास करता है, जिससे बालक सजग रहकर पढ़ता है कि शिक्षक कभी भी कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन पूछ लेगा। तो प्रश्न पूछना एक बहुत महत्वपूर्ण प्रक्रिया है और कक्षा कक्ष में जब हम शिक्षण कार्य करते हैं तो विभिन्न प्रकार के प्रश्नों को हमको समय समय पर पूछना होता है। प्रश्न जो है बहुत सारे उनके प्रकार हैं, जैसे कक्षा कक्ष में जब हम शिक्षण कार्य प्रारंभ करते हैं तो प्रारंभ करने के लिए जो विषय वस्तु आज हम पढ़ा रहे हैं, जो कंटेंट हम आज पढ़ाएंगे, उस तक हमको आने के लिए उससे संबंधित पूर्व ज्ञान बालक कितना रखता है उससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। उन प्रश्नों को प्रस्तावना प्रश्न कहा जाता है या इंट्रोडक्शन प्रश्न कहा जाता है, जिसके द्वारा बालक को के पूर्व ज्ञान की जांच भी हो जाती है और नवीन ज्ञान तक आने का जो प्रयास है, जो मार्ग है, वो भी सहज रूप से बालक उस तक आ जाता है। तो इंट्रोडक्शन प्रश्न या प्रस्तावना प्रश्न जो होते हैं वो शिक्षण कार्य प्रारंभ करने से पूर्व एक शिक्षक कक्षा के अंदर पूछता है। तो प्रश्नों के प्रकार जो है, जितने प्रकार के भी प्रश्न शिक्षण के दौरान कराए होते हैं उन प्रकार के प्रश्नों को शिक्षक कक्षा के अंतर्गत पूछता है, बालक उसका प्रयास जवाब देने का प्रयास करता है। और प्रश्न जो है कैसे होने चाहिए, बालक के स्तर के अनुसार होने चाहिए, विषय वस्तु से जुड़े हुए होने चाहिए, बालक का ध्यान केंद्रित करने वाले होने चाहिए। तो उन सब के बारे में कब और कैसे पूछे
पढ़ाया जाएगा तो उसमें इस पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। इसके बाद जो है प्रश्न प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए। बालक जब प्रश्न का जवाब देता है तो प्रश्न की कैटेगरी के अनुसार बालक को मोटिवेट करने के लिए, उसको उत्साहित करने के लिए एक शिक्षक उसको शाबाश, बहुत अच्छा, वेरी गुड इत्यादि शब्दों का प्रयोग करता है जो बालक के को मोटिवेट करता है, उसके उत्साह को बढ़ाने का काम करता है। तो एक शिक्षक की उसके अंदर क्या भूमिका होनी चाहिए इसके बारे में यहाँ पर जो है चर्चा की जाएगी और कैसे बालक को प्रश्न का जवाब देने के लिए एक शिक्षक प्रोत्साहित कर सकता है। तो ये आपका जो थर्ड यूनिट है ये कक्षा कक्ष से संबंधित है और कक्षा कक्ष के अंदर शिक्षक क्या क्या कार्य करता है शिक्षण करते हुए उस पर जो है विस्तृत चर्चा इसमें की जाएगी। अब है फोर्थ यूनिट,
सामाजिक ज्ञान और गणित के विभिन्न विषय में पठन की प्रक्रिया किस प्रकार से की जा सकती है। हर विषय की जो है शब्द कोश वोकैबुलरी पढ़ने का तरीका अलग होता है। हम एक ही तरह साहित्य को जिस तरीके से पढ़ते हैं, हम गणित को उस तरीके से नहीं पढ़ सकते, साइंस को उस तरीके से नहीं पढ़ते। तो हर विषय के अनुसार पठन कौशल किस प्रकार से महत्वपूर्ण होता है, कैसे उसको विकसित किया जा सकता है, इसके बारे में इसमें बताया गया है। इसकी क्या भूमिका है इसके बारे में इस फोर्थ यूनिट के
नेक्स्ट पांचवा यूनिट है वो कल की कक्षा में आपको बताया जाएगा कि इसके अंदर हम क्या करेंगे। साथ ही आप घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने आप को संक्रमण से बचाने का पूर्ण प्रयास करें। ओके।